Good morning, students. Myself, Dr. Suna, Assistant Professor, Government Law College, Ajmer. लेक्चर के इस सीरीज में, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एलएलबी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1882, विधि द्वितीय वर्ष के विषय संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 विषय पर हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इस सीरीज में सेक्शन 35 डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, धारा 35 निर्वाचन का सिद्धांत, या फिर निर्वाचन क्यों आवश्यक है, इलेक्शन में नेसेसरी टॉपिक को आज यहाँ पर डिस्कस करें। आई होप आप लोग इसे समझ पाए। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन के सिद्धांत को हम लोग यहाँ 6 भागों में बांट कर समझें। फर्स्ट पार्ट इज डेफिनेशन, परिभाषा। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन की परिभाषा क्या है, या किसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कहेंगे। एंड द सेकेंड इज इलेक्शन और मोड ऑफ इलेक्शन, चुनाव। चुनाव क्या है, निर्वाचन क्या है, तथा निर्वाचन के तरीके। एंड थर्ड इज एक्सेप्ट और डिसेंट, या तो व्यक्ति चुनाव करेगा या डिनाई करेगा, एक्सेप्ट करेगा, हाँ करेगा या ना करेगा। फोर्थ, व्हेन इलेक्शन इज नॉट नेसेसरी, जहां पे चुनाव आवश्यक ही नहीं है। कई बार आप देखेंगे जब इस आगे इस हम इसको डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे, तब की कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जिन्हें चुनाव करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो वो कौन कौन सी परिस्थितियां होंगी, उसको डिटेल में डिस्कस करें। डिफरेंट कैपेसिटी मीन्स नो इलेक्शन, अर्थात इसको पढ़ते पढ़ते आप नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि कई बार कैपेसिटी ऐसी होती है या उसकी हैसियत ऐसी होती है जिसमें चुनाव करने का आवश्यक ही नहीं होगा। एंड द लास्ट इज एक्सेप्शन, अपवाद। किन परिस्थितियों में डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन या निर्वाचन के अपवाद कौन कौन से, इन टॉपिक्स के अंतर्गत हम इस डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन को, निर्वाचन के सिद्धांत को समझने की कोशिश करें। इलेक्शन वैन नेसेसरी, वैन ए पर्सन प्रोफेसेस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी विच ही हैज नो राइट टू ट्रांसफर एंड एज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन कन्फर्स एनी बेनिफिट ऑन द ऑनर और द प्रॉपर्टी, सच ऑनर मस्ट इलेक्ट आइदर टू कन्फर्म such transfer or to dissent from it, and in the later case he said relinquished the benefit so conferred, and the benefit so relinquished shall revert to the transferor or his representative as if it had not been disposed of. अर्थात सेक्शन 35 की संपत्ति अंतरण अधिनियम में जो व्याख्या दी गई है, डेफिनेशन दी गई, वो इस प्रकार है कि जहाँ कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति अंतरित करने की कहता है या इच्छा करता है, प्रतिज्ञा करता है, जिसे अंतरित करने का उसे कोई अधिकार नहीं है, और उसी सविवार के भाग रूप कोई फायदा उस संपत्ति के स्वामी को देता है, वहां ऐसे स्वामी निर्वाचन करना होगा
कि वह या तो ऐसे अंतरण को पुष्ट करे या उससे डिनाई करे, विसम्मत हो उससे, और पश्चात कथित दशा में वह ऐसे पतित फायदे का त्याग करेगा और इस प्रकार त्यागा हुआ फायदे अंतरक या उसके प्रतिनिधि को ऐसे मिलेगा मानो वह उसे डिस्पोज ऑफ ही नहीं हुआ था। अर्थात हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, देखिए सिंपल सी एक बात है कि चुनाव करना, इलेक्ट करना, इलेक्ट तब करेंगे जब चॉइस होगी, अर्थात एक से अधिक कोई चीज होगी तभी आदमी उसमें से चुनाव कर पाते हैं। एक ही चीज होगी यानी कि सिंपल ट्रांसफर अगर होगा तो किसी और सेक्शन में एक व्यक्ति लेनदार दूसरा देनदार, ठीक है, दिया दिया गया और लिया गया, जैसे सेल मॉर्गेज के सब में होता है, बाकी संपत्ति अंतरण के जो भी व्यवस्थाएं हैं उनमें होता है। बट इस सेक्शन 35 में एक ही अंतरण द्वारा ऐसा व्यवस्था की गई है कि एक व्यक्ति ऐसी किसी चीज का ट्रांसफर करता है जो उसकी अपनी नहीं है, वो उसका ऑनर नहीं है। तो अब जब जिस व्यक्ति जो व्यक्ति उस संपत्ति का ऑनर है जिसे वह व्यक्ति ट्रांसफर कर रहा है उसको कोई फायदा उसे देना होगा, तभी वो व्यक्ति चुनाव करेगा या उनमें से कुछ चूज करेगा कि मैं ये चीज ले सकता हूँ या नहीं लेनी होगी। अर्थात दो चीजें जिसको चुनाव करना है उसके पास मौजूद हैं। या फिर मोटे मोटे तौर पे हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके सामने एक दस्तावेज, ओके, दस्तावेज एक है, क्योंकि अगर दस्तावेज दो होंगे तो फिर दो अंतरण हो जाएंगे, अर्थात एक ही दस्तावेज द्वारा, एक ही डॉक्यूमेंट द्वारा, एक ही ट्रांसफर डेट द्वारा दो ऑप्शन मौजूद है, दो में से किसी एक को उसे चुनने का अधिकार दिया गया है। या फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस या ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं जिसमें से एक को चुनना और एक को छोड़ना आवश्यक है, तो फिर हम इसे कहेंगे निर्वाचन की आवश्यकता, इलेक्शन वैन नेसेसरी। Subject nevertheless, where the transfer is gratuitous and the transfer has before the election died or otherwise become incapable of making a fresh transfer. And in all cases where the transfer is for consideration. अर्थात जहाँ की अंतरण अनुग्राहिक है और अंतरक निर्वाचन किए जाने से पहले मर गया है या नवीन अंतरण करने के लिए अन्यथा असमर्थ हो गया है, उन सब दशाओं में जिसमें अंतरण प्रतिफलार्थ है, अर्थात जब निर्वाचन जो अपने डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के चार्ट में सेकंड पॉइंट है कि निर्वाचन कब आवश्यक नहीं है, अर्थात जब किसी व्यक्ति की जिसे निर्वाचन करने का अधिकार है उसकी डेथ हो गई, इनकेपेबल हो गया वो इलेक्ट करने में, तो फिर निर्वाचन की आवश्यकता नहीं है। अगर कंसीडरेशन सहित है, कंसीडरेशन उसमें है, वेयर द ट्रांसफर इज फॉर कंसीडरेशन इन ऑल केसेज, वहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं होगी। निर्वाचन कहाँ और क्या है? जहाँ अंतरण अनुग्रहिक अर्थात दया पर या कृपा पर निर्भर है, अर्थात फ्री विदाउट कंसिडरेशन यानी कि उसमें प्रतिफल निहित नहीं है, अंतरक निर्वाचन से पूर्व मर गया है, वहाँ जहाँ अंतरण कंसिडरेशन सहित है वहाँ परिस्थिति दूसरी होगी। To the charge of making good, the disappointed transferee
द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अटेम्प्ट टू द ट्रांसफर टू हिम, अर्थात निराश अंतरिति को प्रतिफल की रकम या उस संपत्ति के जिसे उसको अंतरित किए जाने का प्रयत्न किया गया था मूल्य को चुका देने के भार के अधीन ही वह फायदा प्रतिवर्तित होगा। अर्थात पिछली स्लाइड में हमने देखा कि जहाँ पे कंसीडरेशन या बिना किसी विदाउट कंसीडरेशन या अनुग्रहिक है और अंतरक निर्वाचन के पूर्व ही मर गया या इनकेपेबल है नवीन अंतरण करने में असमर्थ हो गया है, वहां पे डिसअपॉइंटेड डोनी जो होगा, निराश अंतरिति जो होगा, उसको प्रतिफल की धनराशि के बराबर या उस संपत्ति जो उसको देने के लिए कहा गया है उसके बराबर कंपनसेशन या मुआवजा देने की जिम्मेदारी के साथ वह फायदा वापस रिवर्ट हो जाएगा जिसे उसने निराश अंतरिति को देने का प्रस्ताव किया था। अर्थात मोटे मोटे तौर पे या स्पष्ट रूप से हम यह कह सकते हैं कि सेक्शन 35 का उद्देश्य उस व्यक्ति को अंतरित करना जिसको कोई लाभ पहुंचाना है उसको लाभ पहुंचाकर ही रहेंगे। इसे हम एक इलस्ट्रेशन द्वारा समझ सकते हैं। द फार्म ऑफ सुल्तानपुर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सी एंड वर्थ ₹800। ए बाई एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट प्रोफेस टू ट्रांसफर इट टू बी गिविंग बाई द सेम ट्रांजेक्शन गिविंग बाई द सेम इंस्ट्रूमेंट ₹1000 टू सी। सी इलेक्ट्स टू रिटेन द फॉर्म ही फॉरफिट्स द गिफ्ट ऑफ ₹1000। कोई एक सुल्तानपुर का खेत जो सी व्यक्ति की संपत्ति है उसका मूल्य ₹800। ए उसे लिखित उल्लेख द्वारा दान करने के लिए बी को अंतरित करने की कहता है। उसी लिखित द्वारा वो सी को जिसका वो खेत बी को देना चाहता है ₹1000 देता है। अब यहाँ पे आपने देखा कि ₹800 उसके खेत की वैल्यू है और उससे अधिक उसे ₹1000 ए द्वारा दिए जा रहे हैं क्योंकि वह खेत वो जो उसका अपना नहीं है सी का वो खेत उसको वो बी व्यक्ति को देना चाहता है। तो जनरली हमने देखा होगा या जनरली यही होता है कि मनुष्य अपनी कोई चीज़ तभी छोड़ेगा जब उसे कोई बड़ा फायदा हो रहा होगा। अर्थात ₹800 की उसके फॉर्म की वैल्यू है और ₹1000 सी उसे ऑफर कर रहा है। तो सी खेत को अपने पास रखना इलेक्ट करेगा या फिर वो ₹1000 का दान जो उसे मिलना है वो ग्रहण करेगा। यहाँ पे इसी केस में इन द सेम केस ए डाइज बिफोर द इलेक्शन हिज रिप्रेजेंटेटिव मस्ट आउट ऑफ द ₹1000 पे ₹100 टू बी। अर्थात इस मामले में ए यदि निर्वाचन के पहले मर जाता है इलेक्शन से पहले वो ये चूज करने से पहले या इसका चुनाव करने से पहले कि मुझे खेत छोड़ना है ₹1000 लेने हैं इससे पहले वो मर जाता है तो उसका प्रतिनिधि ₹1000 में से ₹800 बी को देगा क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 35 में उस दूसरे अंतरिति को फायदा पहुंचाने का उद्देश्य है। सेक्शन 35 के इस इलस्ट्रेशन में हमने देखा कि कोई व्यक्ति जो यहाँ पे सी व्यक्ति जो ये अपना खेत जिसकी वैल्यू ₹800 है जिसको ए व्यक्ति बी को ट्रांसफर कर रहा है। इस इलस्ट्रेशन पे सेक्शन 35 के फर्स्ट के पैराग्राफ का नियम जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन जहाँ कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति अंतरित करने की इच्छा व्यक्त करता है जो उसकी अपनी नहीं है या जिसका अपने ऊपर उसकी प्रॉपर्टी पे उसका कोई अधिकार नहीं है तो उसी समय व्यवहार के भाग रूप को कोई फायदा
उस व्यक्ति को जिसकी वो संपत्ति अंतरित कर रहा है उसे पहुंचाएगा। ये वाला पार्ट इस इलस्ट्रेशन के ऊपर लागू होता है। यहाँ पर जो है वह व्यक्ति यह विश्वास करता है या नहीं करता है कि यह संपत्ति उसकी अपनी है या वो उसे अंतरित करने का राइट रखता है, वह उसे अंतरित करता है। द रूल इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस सेक्शन अप्लाइज वेदर द ट्रांसफर डज और डज नॉट बिलीव दैट विच ही प्रोफेस टू ट्रांसफर टू बी हिज ऑन। ए पर्सन टेकिंग नो बेनिफिट डायरेक्टली अंडर ए ट्रांजेक्शन बट डिराइविंग ए बेनिफिट अंडर इट इनडायरेक्टली नीड नॉट इलेक्ट। इसी से व्यवहार के अंतर्गत इसको आगे बढ़ाते हुए कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी सम्व्यवहार के अधीन कोई फायदा सीधा नहीं लेता है, डायरेक्ट कोई भी फायदा वो व्यक्ति नहीं ले रहा है, किंतु उसके अधीन फायदा उसे मिल जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि आदमी के बिहेवियर से या उसके जैसे कोई संपत्ति उसे दी और वो वहां आकर रहने लग गया तो उसके पजेशन से कब्जे से यह पता चल जाता है कि उसको वह प्रोसेस या ये ट्रांजेक्शन जो उसने किया एक्सेप्ट है। तो अगर वह ऐसा करता है तो वहां उसे चयन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसका बिहेवियर इस चीज को शो कर देता है, वह उसका फायदा उठा रहा है। सेक्शन 35 यही है कि अगर कोई व्यक्ति फायदा उठाता है तो नुकसान भी उसे उठाना होगा, मतलब सम्व्यवहार के दोनों पार्ट उसे एक्सेप्ट करने होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ले, उस संपत्ति में वो 1,000 रुपए ले और अपनी सुल्तानपुर का खेत वो ना छोड़े। अगर वो 1,000 रुपए लेगा, उसके प्रतिनिधि लेंगे, तो उसे वो 800 रुपए वैल्यू का वो अपना खेत भी छोड़ना होगा। अर्थात जहां वो फायदा ले रहे हैं तो उसे चयन करने की आवश्यकता नहीं है अगर ऐसा शौक हो रहा है तो। ए पर्सन हु इन हिज ओन वन कैपेसिटी टेक्स ए बेनिफिट अंडर द ट्रांजेक्शन मे इन अनादर डिसेंट देयर। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो अपनी एक हैसियत में कोई फायदा उस संभार के अधीन लेता है तो दूसरी हैसियत में वो उस नुकसान से डिनाई नहीं कर सकता। आधा इट मीन्स ये है कि वो सम्व्यवहार के आधे पार्ट को एक्सेप्ट करे और आधे पार्ट से डिनाई करे, ऐसा संभव नहीं है। या तो वह इस पूरे अंतरण का पूरा पार्ट एक्सेप्ट करेगा या फिर पूरा का पूरा छोड़ देगा, अर्थात एक्सेप्ट भी होगी और फिर उसे उसमें एक्सेप्टेंस के साथ साथ उसे अपनी संपत्ति में राइट छोड़ना भी पड़ेगा, विसंमत नहीं हो सकता वो दूसरे पार्ट से। कोई व्यक्ति निर्वाचन करेगा जब उसके पास दो विकल्प मौजूद होंगे, ये हमने जाना। अब वो डिनाई नहीं कर सकता, या तो पूरा डिनाई करेगा या फिर पूरा एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, यहां तक हम समझे, बट डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन की आवश्यकता क्यों है? नीड टू डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। निर्वाचन के सिद्धांत के आधार क्या क्या हो सकते हैं, अर्थात ऐसे कौन से आधार हैं जिनके कारण हमें चुनाव के सिद्धांत की आवश्यकता महसूस हुई। अगर हम इसे देखें तो सबसे पहले तो हम यही जाने कि शायद न्याय व औचित्यता, जस्टिस एंड फेयरनेस, इस सिद्धांत का एक आवश्यक तत्व है। क्योंकि निर्वाचन के सिद्धांत में आपने देखा कि किसी व्यक्ति के समक्ष दो विकल्प मौजूद हैं एक ही दस्तावेज के ऊपर, दो में से एक को चुनने का अधिकार उसे नहीं है। अब न्याय हुआ या न्याय है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई व्यक्ति फायदा ले रहा है तो वो दायित्व भी ले, ताकि दूसरे व्यक्ति को जिसे वो फायदा पहुंचाना चाहते हैं उसे फायदा मिल सके। अर्थात किसी अंतरण में यदि अंतरिती को कोई लाभ दिया जाए और उस पर कुछ दायित्व भी सौंपा जाए इसी अंतरण द्वारा,
तो वो लाभ भी ले और दायित्व भी ले, ये इसकी औचित्यता है। निर्वचन की आवश्यकता कभी कभी इसलिए भी पड़ जाती है कि कई बार फैमिली सेटलमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक ही प्रॉपर्टी से किन्हीं दो लोगों को सेटिस्फाइड या लाभ देना पड़ता है बिना संपत्ति को विभाजित किए। जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में या ऐसी अविभाज्य संपत्ति जिनको विभाजित किए बिना हम मैक्सिमम जिनका फायदा उठा सकते हैं, तो फिर ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि आप इसमें इतना हिस्सा छोड़ दीजिए और इसके बदले आप इतना पैसा इससे ले लीजिए। तो सेक्शन 35 जो है वो ऐसी ही व्यवस्थाएं करती है कि संयुक्त रूप से दोनों व्यक्ति ऑलमोस्ट बराबर हो जाएं और उन्हें दोनों को फायदा मिल जाए। इसलिए यह न्याय व औचित्य पर आधारित है। सेकंड, फुलफिलमेंट ऑफ ट्रांसफर्स इनिशियो अर्थात इंटेंशन, अर्थात निर्वाचन के सिद्धांत का आधार जो अंतरण कर रहा है उसके उद्देश्य को पूरा करना भी है। अंतरिति का उद्देश्य उनको फायदा पहुंचाना है और अपनी संपत्ति को बिना विभाजित किए, अर्थात अंतरिति इस समिभार द्वारा बिना विभाजन के दोनों को फायदा दे सकता है। निर्वाचन सिद्धांत द्वारा वह उसे दायित्व लेने को भी बाउंडेशन लगा सकता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फायदा ही लें ऐसा यहाँ पे आवश्यक क्या मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन की यह शर्त ही नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन ये कहता है या तो आप फायदा एक्सेप्ट करेंगे या पूरा का पूरा समवार डिनाई करेंगे, विसम्मत होंगे। आधा पार्ट आप उसमें से एक्सेप्ट नहीं कर सकते और आधा आप उसमें से छोड़ नहीं सकते। एक समिभाग द्वारा पूरा का पूरा वहां पे पूरा ट्रांजेक्शन लागू होगा, अर्थात मोटे 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 रूप से हम ये कह सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का आधार न्याय देना और अंतरिति के उद्देश्य को पूरा करना है। इसे हम और अच्छे तरीके से इन दो केस के माध्यम से समझ सकते हैं। भाऊ राव वर्सेज बैजनाथ सिंह AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट 1327। इस केस में यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि जब विलेख द्वारा शर्त लगा दी गई है कि आप कोई संपत्ति छोड़ेंगे तभी आपको ये फायदा मिलेगा या इतना आप दूसरे व्यक्ति को देंगे तब आपको यह मिलेगा, अर्थात विलेख के अनुसार जब विलेख में है कि इस शर्त का पालन किस तरह करना है तो उसे जब निर्वाचन करने के लिए छोड़ दिया गया है तो विलेख के अनुसार वो उसको एक्सेप्ट या डिनाई करे, क्योंकि इसी आधार पे सेक्शन 35 लागू होगा कि वो या तो उसको लेता है या नहीं लेता है। इस बाद में न्यायालय ने ये कहा कि कोई व्यक्ति एक ही समिभार को एक साथ स्वीकार और अस्वीकार दोनों नहीं कर सकता, वो समिभार को या तो पूरे को पूर्ण को स्वीकार करेगा या पूर्ण समिभार को अस्वीकार करेगा, अर्थात या तो इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति एक ही समिभार के लाभ को अगर स्वीकार करता है तो दायित्व भी उसके साथ आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि लाभ वाला हिस्सा वो ले और
अपनी संपत्ति ना छोड़ने का या दायित्व वाला हिस्सा वो ना ले, उसे पूरा का पूरा समभार स्वीकार करना होगा या फिर अस्वीकार करना। एक और केस, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन बनाम सुभाष सिंधी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जयपुर, AIR 2013 सुप्रीम कोर्ट 1241। इस केस में राजस्थान हाई कोर्ट ने अपीलांट को आदेश दिया कि हाउसिंग सोसाइटी के पक्ष में विवादित जमीन भूमि पे जो उसने कब्जा कर रखा है उससे अलग कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस वाद में कहा गया कि जब प्रॉफिट और लॉस दोनों एक ही साथ हों या कोई संविदा जानबूझ के इस तरह की की गई हो कि जहां पे पक्षकार को ये छूट दी गई हो कि लाभ और हानि दोनों हैं, या जब कहीं जानबूझ के संविदा अंतरण या किसी आदेश से उत्पन्न लाभ का फायदा प्राप्त करें, तो फिर वहां पे आप उस अंतरण या आदेश की वैधता से इनकार नहीं कर सकते। पूरा का पूरा नियम वहां पे लागू हो जाएगा कि या तो आप पूरा समभार एक्सेप्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लाभ का हिस्सा आप एक्सेप्ट करें, ऐसा संभव नहीं है। अर्थात इन दोनों केस में हमने ये देखा कि न्यायालय द्वारा भी यही कहा गया कि एक ही समभार को एक साथ स्वीकार कर सकते हैं या पूर्ण समभार को आप अस्वीकार कर सकते हैं, आधा स्वीकार और आधा अस्वीकार, ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है। इस प्रकार डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में आज हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशन कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है क्या, निर्वाचन क्या है, इसको जाना। नेक्स्ट में हम इसको इलेक्शन, चुनाव और मोड ऑफ इलेक्शन कि चुनाव क्यों आवश्यक है और चुनाव के तरीके क्या होंगे इसे पढ़ेंगे। निर्वाचन क्या है कि जब कोई व्यक्ति कोई ऐसी संपत्ति अंतरित करने की या ऐसा कोई समभार वह करता है, अंतरित करने के बारे में सोचता है या करता है ऐसा अंतरण जिसे उसे अंतरित करने का अधिकार नहीं है, ऐसा सुनकर कि उसका उस संपत्ति पे कोई राइट नहीं है या उसे अंतरित करने का अधिकार ही नहीं है। सामान्यतः हम यही सोचते हैं कि ऐसा अंतरण संभव नहीं है, लेकिन संपत्ति अंतरण अधिनियम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 35 इसकी व्यवस्था करता है कि ऐसा संभव हो सकता है। ऐसा तभी होगा जब आप सेम ट्रांजेक्शन उसी समभार के द्वारा दूसरे हिस्से द्वारा या उसी समभार के फर्स्ट पार्ट द्वारा उस व्यक्ति को कोई फायदा संपत्ति को अंतरित करते हैं और दूसरे समभार दूसरे हिस्से द्वारा कोई फायदा उस संपत्ति के स्वामी को जिसकी संपत्ति को आप अंतरित कर रहे हैं उसे देंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब चुनाव का अधिकार जो है, इलेक्ट करने का राइट उस व्यक्ति के पास है जिसकी वो संपत्ति है जिसे आप अंतरित कर रहे हैं, जिसे हम नेक्स्ट सीरीज में कि चुनाव कैसे कर सकते हैं, विकल्प क्या क्या होंगे, नेक्स्ट सीरीज में इसे हम पढ़ेंगे। थैंक यू।